पहले हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। यूनिट टेन इसका नाम लिखिए।
आयु बोली चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की जो स्टैंडर्ड यानी फंडामेंटल यूनिट है मेजर करने के लिए दैट इज बाइट्स। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मेमोरी, आप इसका रिस्पॉन्स करेंगे बाइट्स। इज इट क्लियर? बिट्स नहीं, बाइट्स। वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा क्या होगी? बाइट। क्लियर? तो फंडामेंटल यूनिट फॉर मेमोरी इज बाइट। मीटर से छोटी बहुत यूनिट्स होती है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ के लिए क्या मानी जाती है? मीटर। इन द सेम वे यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट है मेमोरी। क्लियर है ये पॉइंट? वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, जहाँ बिट्स का मतलब क्या है? 0 और 1। जब 8 बिट्स इकट्ठी होंगी, 8 बिट की कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइट। अब बाइट एक बहुत स्मॉल यूनिट है, इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही ये रिलेशन भी याद करेंगे। जब 4 बिट्स का ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? निबल। क्लियर? अब लेकिन हम इस टेबल को पढ़ेंगे बाइट, देन किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटाबाइट, हेक्सा, जेटा, योटो, योटा, ब्रोंटो, जियोबाइट। अब इसको लर्न करना बहुत इजी है। देखिए, बाइट के बाद किलोबाइट है, किलोबाइट और बाइट का रिलेशन है 2 की पावर 10। मेगाबाइट का किलोबाइट के साथ रिलेशन है 2 की पावर 10 का। गीगा का मेगा के साथ है 2 की पावर 10। टेरा का गीगा के साथ 2 की पावर 10। पेटा का टेरा के साथ 2 की पावर 10। इस तरह से जिसका भी अपने ऊपर के साथ रिलेशन देख रहे हो, इट विल सेम एज 2 की पावर 10। क्लियर है? अब बाइट्स के साथ देखो ये कैसे बढ़ रहा है। जब 2 को 10 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1024। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है, 2 की पावर 20 बाइट्स, 10 बाइट्स, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। जब 10 था तो 2 की 1024 एक बार, 20 है तो 1024 की बार 2, 30 पे 3, इन द सेम वे टिल 100, 1024 की बार 10 तक जाएगा। क्लियर है? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, या फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है 1 मिलियन बाइट्स कितने के बराबर? MB। 1 मिलियन बाइट्स GB। इस तरह से भी याद करोगे। इसके अलावा
क्वेश्चन जरा ऐसे भी देखेंगे। वन जीबी इज इक्वल टू हाउ मेनी केबी, या हाउ मेनी केबी मेक्स वन जीबी। जैसे आप कन्वर्शन करते हो सेम वही कन्वर्शन है, टीचर से टीचर का कन्वर्शन कैसे करते हैं, 5 मीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर, क्लियर। यही करते हो इन 200, सेम वे ये बड़ी यूनिट है छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। पर इतना सब कुछ पेपर में हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक इज यहां से यहां जा रहे हो तो 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर